शेरापुर गांव में अनुष्का अपनी माँ निर्मला के साथ रहती थी। अनुष्का के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ सालों पहले ही हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद निर्मला ही अपनी बेटी अनुष्का का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताज़ा है भाई। अच्छा, पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो पालक 1 किलो और कद्दू 1/2 किलो और हाँ, ये टमाटर भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। निर्मला अपनी बेटी अनुष्का को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती है, जिससे वो घर खर्च चलाती है। साथ ही अनुष्का की पढ़ाई और कुछ पैसे अनुष्का की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती है। आ गई माँ, चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी प्यारी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना माँ? मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अनुष्का 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी जानवी की शादी में जाती है, जहाँ उसका शादी का ब्राइडल लहंगा देखकर अनुष्का हैरान रह जाती है। अरे वाह जानवी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है, पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे, तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लेना अपनी शादी के लिए। जानवी की बात सुनकर अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में जानवी की मौसी मीनू अपने बेटे के साथ आई हुई होती हैं। अनुष्का पर जैसे ही उसकी मौसी की नज़र जाती है, वो उसे देखती ही रहती हैं। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे वरुण के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। वरुण को भी अनुष्का पहली ही नज़र में भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीनू अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ अनुष्का के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें अनुष्का पहली नज़र में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देखकर निर्मला खुश हो गई। निर्मला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए अनुष्का के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है।
लेकिन कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। शादी के ठीक एक दिन पहले अनुष्का का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये कि दुल्हन का लहंगा ही चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी निर्मला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा। ये बात जब अनुष्का की जेठानी को पता चली तो वो जल्दी से बाजार गई और अनुष्का के लिए बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर अनुष्का हैरान रह गई। अरे, ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब जानवी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ हाँ, हमें किसी ने बताया कि तुम्हें जानवी का लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। अनुष्का मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। फिर अगले दिन जब अनुष्का वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी परी से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसे देख जानवी भी हैरान रह जाती है। अनुष्का को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर निर्मला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से अनुष्का की शादी वरुण से खुशी खुशी हो जाती है। चलो, ब्लाउज तो सिल गया, अब जल्दी से तुरपाई कर देती हूँ। कमला जी आती ही होंगी ब्लाउज लेने। अरे, आज तो बड़ी गर्मी है। गरीब जानवी भरी गर्मी में कपड़े सिल रही होती है, तभी वहाँ पर कमला आती है। जानवी, मेरा ब्लाउज सिल गया है क्या? हाँ हाँ कमला जी, सिल गया है। ये लीजिए आपका ब्लाउज। कमला ब्लाउज सिलने के बदले जानवी को 100 रुपए दे देती है। बहुत ही बढ़िया ब्लाउज सिला है तूने बिटिया, भगवान तुझे तरक्की दे। शुक्रिया कमला जी, मुझ गरीब माँ को आपसे एक मदद चाहिए थी। आप जहाँ काम करती हैं वहाँ मेरी सिलाई के बारे में बताइएगा, मैं उनके कपड़े सस्ते में सिल दूंगी। वो भी जैसा कहेंगे वैसा ही सिल दूंगी, इससे मुझ गरीब दर्जी के 2 पैसे बन जाएंगे। मैं तेरी मजबूरी को समझती हूँ बिटिया, इतनी गरीबी में दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर तो किस तरह से अपनी 5-5 बेटियों का पेट पाल रही है, मगर मैं जिस कोठी में रोटी बनाने का काम करती हूँ वो बड़े सेठ लोग हैं। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ, वो महंगे फैशन डिजाइनर से कपड़े सिलवाते हैं। ठीक है कमला जी, कोई बात नहीं। इसके बाद जानवी फिर से उदास होकर कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी वो अपनी 5 बेटियों को झगड़ते हुए घर में आते हुए देखती है। छोड़ मुन्नी छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ दे, ये मेरे हिस्से का जूस है। ऐसे कैसे, इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है और मुझे गर्मी लग रही है। ये ठंडा ठंडा जूस मैं पीऊंगी, इसे गर्मी में लाइन में लगकर मैंने ही लिया था। नहीं नहीं, ये दूध मैं पीऊंगी, मुझे दे दो ना दीदी। क्या बात है, तुम सब ऐसे लड़ झगड़ क्यों रही हो? वो माँ, हम रास्ते से आ रहे थे ना, तो वहाँ पर एक अंकल ठंडा ठंडा जूस बांट रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे थे, मगर जूस खत्म हो गया, बस एक ही मिल पाया। जानवी की 5 बेटियाँ ऐसे ही ठंडे पानी के लिए ललकती थी। तभी जानवी की अमीर पड़ोसन दया अपनी बेटी पल्लवी के साथ मिठाई का डब्बा लेकर आती है। बाप रे जानवी, तेरे इस घर में एकदम आलू जैसी उबलने वाली गर्मी हो रही है।
कितनी बार कहा है तुझे कि एक पंखा खरीद ले। अब खैर छोड़ ये सब, ये ले मिठाई खा। मगर ये मिठाई किस खुशी में? अब बस मैंने अपना पुराना वाला फ्रिज बेच दिया और नया डबल डोर का फ्रिज लिया है। पुराने वाले फ्रिज में बर्फ जमाने की कैपेसिटी बड़ी कम थी और इसमें मैं एक बार में ढेर सारा बर्फ जमा सकती हूँ। अब इतनी गर्मी में बिना ठंडे पानी से कहाँ चलता है। तब तो दया आंटी, अब तो आप हमें भी बर्फ दे देंगी ना? क्यों नहीं, आ जाना जब बर्फ चाहिए हो। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर उसी शाम, माँ बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। मैं और मुन्नी दया आंटी के घर से बर्फ मांग कर ले आती हैं। फिर हम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। चल मुन्नी। हाँ हाँ चलो रिया दीदी। जानवी की दोनों बेटियाँ बर्तन लेकर उम्मीद लगाए दया के घर पर आती हैं। दया आंटी थोड़ा बर्फ दे दो। आ गई दोनों मुंह उठाकर बर्फ मांगने। रुको जरा अभी लाती हूँ, ये लो। जानवी की पांचों बेटियाँ बर्फ का पानी पीकर बहुत खुश हो जाती हैं। अब वो हर रोज दया से बर्फ मांगने आती हैं। तभी एक दिन दया चिढ़कर कहती है, अरे तुम्हारा तो रोज रोज का हो गया है, सुबह शाम बर्तन लेकर फ्री की बर्फ मांगने आ जाती हो। अगर तुम पांचों को बर्फ का पानी पीने का इतना ही शौक है तो जाकर कहो अपनी गरीब माँ से कि वो फ्रिज खरीद ले। जानवी की दोनों बेटियाँ आँखों में आंसू लिए घर आकर रोते हुए कहती हैं, माँ आंटी ने हमें भगा दिया, हमें बर्फ भी नहीं दिया। हम इतनी गरीब क्यों है माँ? ना हमारे घर में एक पंखा है और ना ही फ्रिज, हमें इतनी गर्मी में गुजारा करना पड़ता है। रिया अगर पिताजी जिंदा होते तो आज हमारे घर में भी ये सब कुछ होता। माँ तो खुद कितनी मुश्किल से हमें पाल रही हैं। उस दिन गरीब जानवी की पांचों बेटियाँ उदास होकर भूखे पेट ही सो जाती हैं। तभी जानवी एक टूटे फूटे बक्से से पांच गाउन निकालकर आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहती है, तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर तुम्हारी इस गरीब दर्जी माँ का दिल भी बहुत दुखता है मेरी बच्चियों। मगर मैं क्या करूं? वैसे मैंने तुम पांचों के लिए बचे कतरन से ये गाउन सिला है, मगर पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा भी कि नहीं। गरीबी भरी जिंदगी को सोचते हुए जानवी की आंख लग जाती है। फिर एक दिन जानवी जब बाजार जा रही होती है तभी वो एक शिकारी को पिंजरे में एक चिड़िया को ले जाते हुए देखती है। बेचारी चिड़िया इस पिंजरे में कितनी उदास बैठी है, मुझे इसे बचाना होगा। फिर जानवी शिकारी का पीछा करते हुए जंगल में आ जाती है, जहाँ शिकारी कहता है, अब मैं इस चिड़िया को मार कर खाऊंगा और फिर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। तभी जानवी एक मोटे से डंडे से शिकारी को मारकर बेहोश कर देती है और जैसे ही पिंजरा खोलती है तो वो चिड़िया एक परी बन जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक दुष्ट जादूगर है, इसने मुझे चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जानवी परी को अपनी सारी परेशानियां बताती है। मेरे साथ साथ मेरी पांचों बच्चियों को भी गर्मी और गरीबी झेलनी पड़ती है, वो हरदम बस बर्फ बर्फ करती रहती हैं। प्यारी परी तुम मेरी मदद करो। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और जानवी को एक लाल रंग की पोटली दे देती है। इस पोटली में क्या है परी रानी? इसमें जादुई बीज है, इन्हें ले जाकर किसी भी कपड़े पर छिड़क देना, फिर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आकर जानवी उस पोटली में रखे बीजों को सबसे पहले अपनी बेटियों के लिए सिले हुए गाउन पर छिड़कती है। तभी यकायक वो बर्फ के लहंगे बन जाते हैं। जानवी की पांचों बेटियाँ बर्फ के लहंगे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अरे वाह,
ये तो बर्फ का झगले वाला फ्रॉक है। पीहू, इसे झबरी वाला फ्रॉक नहीं बल्कि लहंगा कहते हैं मेरी बहन। माँ, आपको पता है हम पाँचों को लहंगा पहनने का बड़ा मन था, और देखो हमें ये बर्फ वाला सुंदर सा लहंगा मिला है। क्या हम इसे पहन लें? हाँ मेरी बच्चियों, ये बर्फ का लहंगा तुम्हारे लिए ही तो है। फिर वो पाँचों बर्फ का लहंगा पहनकर बाहर आ जाती हैं और अपनी बच्चियों के खुशी से खिले हुए चेहरे को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया परी रानी, तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियाँ ये बर्फ का लहंगा पहनकर बहुत खुश हैं। माँ, ये बर्फ का लहंगा बहुत ही सुंदर है, इसमें हमें जरा सी भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ माँ, इस बर्फ के लहंगे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, आप ऐसा ही बर्फ वाला लहंगा हमारे आस पड़ोस रहने वाले सभी बच्चों के लिए सिलना शुरू कर दो, फिर देखना हमारी खूब अच्छी कमाई होगी। जानवी को अपनी बेटी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। तभी वो पोटली के अंदर से कुछ जादुई बीज निकालकर कपड़ों पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े बर्फ के ना बने, बस बर्फ जितनी ठंड इसमें भर जाए। जानवी के इतना कहते ही उन जादुई बीजों में से एक सुनहरी रोशनी निकल कर उस कपड़े में समा जाती है और कपड़े का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वही गरीब जानवी की पांचों बेटियाँ जब अपना बर्फ का लहंगा पहनकर घर से निकलती हैं, तो अब उनकी हम उम्र की बच्चियाँ वैसा ही बर्फ का लहंगा सिलने का ऑर्डर दे जाती हैं। और तभी दया भी जानवी के घर आकर माफी मांगते हुए मक्खन लगाते हुए कहती है, जानवी, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दया जी। देखो ना, जब से पल्लवी ने तुम्हारी पांचों बेटियों को बर्फ का लहंगा पहने देखा है, हाँ ये जिद पकड़कर बैठ गई है। मगर एक बात तो बताओ, ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं है? दया जी, हलवाई अपने हाथों के स्वाद का राज किसी और को बताता है नहीं ना, इसीलिए मैं भी ये आपको नहीं बता सकती, मगर बर्फ वाला लहंगा बन जाएगा। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ ऐसे कपड़े सिल सकोगी जिसे पहनने पर मुझे ठंडक मिले? चिंता मत कीजिए दया जी, ये दर्जी आपके लिए ऐसे कपड़े सिलेगी जो आपको इस गर्मी में शिमला जैसी ठंडक का एहसास देगा। दया के चले जाने के बाद जानवी कपड़े सिलना शुरू करती है और लहंगा और दया के लिए ब्लाउज और सूट बनाती है। लहंगा और कपड़े तो सिल गए, अब बस मुझे इन जादुई बीजों को छिड़कना है। फिर जानवी लहंगे और कपड़े पर परी की दी हुई जादुई बीज छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये लहंगा और कपड़े बर्फ के बन जाएं। इतना कहते ही वो लहंगा और कपड़े बर्फ के बन जाते हैं और जानवी फिर से उन जादुई बीजों को इस बार कपड़े पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये सारे कपड़े बर्फ जितने ठंडे हो जाएं। इस बार भी जानवी के कहे अनुसार ऐसा ही होता है। इसके बाद देखते ही देखते गरीब दर्जी जानवी के घर में कपड़े सिलवाने के लिए लोगों की भीड़ होने लगती है, जिससे जानवी के सिले कपड़ों से लोगों को भरी गर्मी से राहत मिलती है और जानवी की अच्छी कमाई भी होती है। पर किसी को भी इसके पीछे के जादू के बारे में पता नहीं चलता। अपनी मेहनत से जानवी गरीबी में ना सिर्फ अपनी पांचों बेटियों का पेट पालती है, बल्कि एक अकेली औरत होकर भी गरीबों में बड़ा मकाम हासिल करती है। और अब उसके पास अच्छा घर बार था, जिसमें फ्रिज, पंखा, एसी सभी चीज थी। निशा अपने लिए नए पत्तों की ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नए पत्ते चुनकर लाई थी। निशा की सास कुसुम ने उससे कहा, निशा बहू, कब तक तू पत्तों वाली ड्रेस पहनती रहेगी? गली मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बाजार से तेरे लिए ढंग के कपड़े ले आती हूँ,
कम से कम बाहर नौकरी पर जाने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। नहीं माँ जी, इन पत्तों वाले ड्रेस से हमारे आदिवासी संस्कार झलकते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठकर पैसे कमा सकती हूँ। तू घर बैठकर पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे कहीं बाहर जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना होगा। तभी निशा का पति आरव वहाँ पर आता है और कुसुम से कहता है, अरे माँ, निशा बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कपड़े बना सकती है। मेरे लिए भी निशा ने ही कपड़े सिले थे जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल आरव एक इंजीनियर था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए वो कुछ दिन के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ आरव का एक्सीडेंट हो गया। वो पहाड़ों से गिरता हुआ आदिवासी बस्ती में आकर गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। तब निशा के पिता खड़िया उसे उठाकर अपने घर ले आए। तब निशा ने आरव की बहुत सेवा की और उसे आदिवासी दवाइयों से बिल्कुल ठीक कर दिया। हादसे में आरव के कपड़े बुरी तरह से फट गए थे। निशा ने आरव के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिले थे। साथ ही निशा बहुत सुंदर थी जिस वजह से आरव को उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद आरव ने वही निशा से शादी कर दी थी। उसके बाद आरव और निशा दोनों शहर आ गए। कुछ दिनों के बाद आरव की नौकरी छूट गई, जिसके बाद उनके घर के हालात खराब होने लगे। ऐसे में निशा और कुसुम दोनों मिलकर कम पैसों में भी घर का खर्चा अच्छे से चलाने लगी। लेकिन अब जमा पैसे खर्च हो गए थे। कुसुम को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरे घर में सिलाई मशीन रखी हुई है, मैं अपने पिताजी से कहकर वो सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लूँगी, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो गई है माँ जी। और कपड़े? मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे हैं। उन पैसों से हम कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है निशा बहू, तू जल्दी ही ये काम शुरू कर दे। निशा ने फोन करके अपने पिता से सिलाई मशीन शहर मंगवा ली। उसने जमा पैसों से आरव को बाजार भेजकर कुछ सस्ते कपड़े मंगवाए। ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं निशा बहू। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर यही कपड़े आपको महंगे कपड़े लगने लगेंगे। निशा ने उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार कर दिए। अरे वाह निशा बहू, ये कपड़े तो वाकई में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। तेरे हाथों में जादू है जादू। माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचूंगी। हाँ हाँ, बेच देना, लेकिन पहले अपने लिए तो कपड़े सिल ले, बाजार क्या पहन कर जाएगी। नहीं माँ जी, मुझे मेरे लिए कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने पत्तों वाले ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान, यही देखना बाकी रह गया था कि मेरी बहू पत्ते पहनकर बाजार में जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अरे माँ, निशा ठीक ही तो कह रही है। निशा जब पत्ते पहनकर बाजार जाएगी तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और उसके कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे। तभी तो निशा के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे। शायद तू ठीक कह रहा है। दूसरे दिन निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में बाजार जाती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आओ आओ, सेल लगी है सेल, 2000 के कपड़े 1000 रुपए में, 50% डिस्काउंट। निशा की आवाज़ें सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगे। शहर में किसी ने पत्ते वाली ड्रेस पहने हुए आदिवासी को नहीं देखा था। निशा को देखने के लिए उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने जब देखा कि निशा कपड़े बेच रही है तो लोग उसके कपड़े देखने लगे। ये ड्रेस तुमने सिली है? जी मैम साहब। कितनी सुंदर ड्रेस है, मेरी बिटिया पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी और ये सस्ती भी है।
ऐसा करो, ये ड्रेस पैक कर दो। निशा उस औरत को वो ड्रेस पैक करके दे देती है। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। ओ वाओ, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, कितना मॉडर्न लुक है। इसे पहनकर तो मैं मॉडर्न लगूंगी। ओ पत्तों की ड्रेस वाली, ये ड्रेस मेरे लिए पैक कर दो और ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। जी मैडम, ये लीजिए आपकी ड्रेस। धीरे धीरे करके निशा के सारे ड्रेस बिक गए। निशा के बिजनेस का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गई। अरे निशा बहू, तू खाली हाथ आई है, तेरी सारे ड्रेस कहाँ गई? वो सारे ड्रेस तो बिक गई। सारे बिक गए? हाँ माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई, पूरे 10000 रुपए हैं। अब कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन निशा लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बाजार जाती है। दूसरे दिन भी निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में थी। उस दिन भी उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अरे वाह, शर्ट और पैंट भी, आप ये सब भी सिलती हो? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के कपड़े भी सिलती हूँ। हाँ ठीक है, आप मेरे लिए ये शर्ट और पैंट पैक कर दो, मैं इन्हें मेरे पापा को दिखाऊंगा। मेरे पापा की कपड़ों की फैक्ट्री है, अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ गए तो आपको उनकी फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये रहे आपके 1000 रुपए और ये रहा मेरा कार्ड, आप कल सुबह मेरे नंबर पर फोन करना। उस दिन भी निशा के सारे कपड़े फटाफट बिक गए। निशा पैसे लेकर घर आ गई। फिर उसने कुसुम और आरव को सारी बात बताई। अरे वाह निशा बहू, तुझे तो शहर के लोग पहचानने लगे हैं। अब तो तुझे गारमेंट फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। जी माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। निशा बहू, अब तो अपने लिए कपड़े सिल ले। माँ जी, मेरे पत्तों वाले ड्रेस की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे हैं। लोग इसी ड्रेस की वजह से मेरे पास आते हैं, फिर मेरे सिले हुए कपड़े खरीदते हैं। ठीक है निशा बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। दूसरे दिन निशा ने उस लड़के को फोन किया। हाँ, मेरे पिताजी को आपकी सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है, आप मेरे पिताजी से मिलने उनकी ऑफिस चली जाओ, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। निशा उसी समय उससे मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है। निशा ने अपने पत्तों वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी। ऑफिस में लोग उसे ही देख रहे थे, तभी वो लड़का निशा के पास आया। हाय, मेरा नाम विराट है, ये मेरे पिताजी का ऑफिस है, चलो मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। विराट निशा को अपने पिताजी से मिलवा देता है। विराट के पिता निशा को अपनी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर की जॉब दे देते हैं। निशा ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी। वो रोज ऑफिस आती और खूब मन लगाकर काम करती। निशा अब भी पत्तों वाली ड्रेस में ही ऑफिस आती थी। एक दिन ऑफिस में, निशा तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्यों ना तुम एक ऐसी ही कपड़ों की ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हों, शायद लोगों को पसंद आए। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, मैं आज ही एक ऐसी ड्रेस बनाऊंगी। निशा ने उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाया जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हुए थे। निशा का वो लहंगा जब बाजार में आया तो उसे खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। मुझे ये लहंगा चाहिए। मुझे भी ये वाला लहंगा चाहिए। और मुझे अपनी बेटी के लिए यही वाला लहंगा चाहिए। अरे लेकिन ये वाला लहंगा तो एक ही पीस है, किसी एक को ही मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं मुझे चाहिए। मुझे दे दो। हर कोई निशा का बनाया हुआ पत्तों वाला लहंगा खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था। लोगों ने वैसा ही लहंगा मंगवाए जाने की डिमांड कर दी। बाजार में निशा के बनाए हुए पत्तों वाले लहंगे की खूब मांग बढ़ गई। निशा के पास अब हजारों ऑर्डर आ गए। निशा अब दिन रात मेहनत और खूब तरक्की करने लगी। तुम्हारी वजह से कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हुआ है,
इसलिए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 80,000 कर दी है। निशा ने घर आकर ये खुशखबरी कुसुम और आरव को बताई। शहर में जिसे देखो तुम्हारे सिले हुए पत्तों वाली ड्रेस पहनकर घूम रहा है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ये ड्रेस स्टाइल आइकन बन जाएगी। हाँ निशा बहू, अब तो मुझे भी तेरी ये पत्तों वाली ड्रेस अच्छी लगने लगी है। आरव, अब तुम्हें भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। तुम्हें सिलाई करने की जरूरत नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी खुद की गारमेंट फैक्ट्री खोल लें। हाँ अच्छा सोचा है, लेकिन उसके लिए हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम बैंक से लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे। बस तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है निशा, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन निशा ने बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत की और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने अपनी एक गारमेंट फैक्ट्री खोल ली। अब निशा अपनी फैक्ट्री में खुद कपड़े सिलती और निशा ब्रांड के नाम से उसे बाजार में बेचती। कपड़े बेचने में आरव उसकी मदद करता। आरव और निशा ने दिन रात खूब कड़ी मेहनत की और शहर में अपनी फैक्ट्री का नाम स्थापित किया। निशा ब्रांड के कपड़ों की मांग अब दूसरे शहरों में भी होने लगी थी। धीरे धीरे निशा की कमाई बढ़ने लगी और उसने बैंक का लोन भी चुका दिया। निशा ने अब दूसरे शहरों में भी अपनी फैक्ट्री की ब्रांच खोल दी। अब देश भर में निशा ब्रांड के कपड़ों की धूम मच गई। यहाँ तक कि निशा के सिले हुए कपड़े विदेशों में भी बिकने जाने लगे। निशा, तुम्हारी मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो गया है। आरव, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। तुमने और माँ जी ने मेरा खूब हौसला बढ़ाया और मेरी मदद की। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी और माँ जी की बदौलत हूँ। निशा ने अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ अपने परिवार को मुश्किल समय से बाहर निकाला बल्कि खूब दौलत कमाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।